तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी रनवे 34 को। आपको बता दूं कि अभी मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी बदली बदली सी लग सकती है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबा कर क्लिक कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। शुरुआत में हम कैप्टन विक्रांत खन्ना को देखते हैं जो कि बहुत अनुभवी और पेशेवर पायलट होते हैं। कैप्टन विक्रांत ने अब तक कई एयरप्लेन उड़ाए थे और आज तक उनका रिकॉर्ड था कि कभी भी कोई भी गड़बड़ नहीं हुई थी, और अगर हुई भी तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक्सपर्ट माने जाते थे। विक्रांत की एक बुरी आदत थी कि वो हर जगह सिगरेट पीते थे। भले ही उस जगह पर सिगरेट पीना मना हो लेकिन इस वार्निंग को वो नहीं मानते थे। विक्रांत की फैमिली में उसकी एक वाइफ होती है जिसका नाम समायरा होता है और एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका 3 दिन बाद जन्मदिन आने वाला था। विक्रांत दुबई के एक होटल में रुका होता है क्योंकि 2 दिन बाद उसकी एक फ्लाइट थी जो कि दुबई से कोची जाने वाली थी, इसीलिए उसे उस दिन तक के लिए वहीं पर रुकना था। विक्रांत वहाँ पर वक्त गुजारने के लिए अपने दोस्त के कहने पर पार्टी करने के लिए निकल जाता है। पार्टी वाली जगह पर पहुंचकर वो नशीला धुआं उड़ाने के साथ साथ मदिरा पान करते हुए खूब एंजॉय करता है और सुबह तक पार्टी करके अपने होटल वापस चला जाता है। अब फ्लाइट उड़ाने का दिन आ जाता है तो विक्रांत सबसे पहले अपने को पायलट तानिया से मिलता है जो कि विक्रांत की जूनियर थी, और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी विक्रांत के साथ काम करने के लिए क्योंकि किसी सीनियर के साथ काम करने पर सीखने को ही मिलता है। अब एक ऑफिसर उन दोनों को फ्लाइट की और मौसम की जानकारी की रिपोर्ट देता है। विक्रांत इधर उधर पन्ना पलटता है और फिर रिपोर्ट रख देता है। ऑफिसर और तानिया दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी क्यों नहीं। ऑफिसर इस बात पर सवाल करता है तो विक्रांत कहता है कि उसने सारी डिटेल्स पढ़ ली है और वो बिल्कुल सही सही सारे नंबर्स और मौसम की जानकारी बता देता है, जिसे सुनकर दोनों ही लोग काफी इम्प्रेस्ड और शॉक्ड हो जाते हैं। विक्रांत कहता है कि उसकी फोटोजेनिक मेमोरी है इसलिए जो भी वो देखता है उसे सब कुछ याद हो जाता है। अब कैप्टन विक्रांत और को पायलट तानिया दोनों कॉकपिट में पहुंच जाते हैं और थोड़ी बहुत जो प्लेन में सेटिंग होती है जिसकी जानकारी मुझे नहीं है वो करने के बाद प्लेन उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्लेन में सभी यात्री सवार हो जाते हैं और फिर इसके बाद प्लेन सफलतापूर्वक उड़ान भरते हुए बादलों के बीच पहुंच जाता है। विक्रांत ने तो रात भर पार्टी करी थी और सुबह होटल वापस आया था और फिर उसके बाद वो ठीक से सोया भी नहीं था तो उसे काफी नींद आ रही होती है। तो प्लेन ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो तानिया के भरोसे प्लेन छोड़कर नींद लेने लग जाता है। विक्रांत कई दिनों से लगातार फ्लाइट उड़ा रहा था इसीलिए वो काफी थक सा गया था और जल्द ही घर पहुंचना चाहता था, और उसकी बेटी का जन्मदिन भी आने वाला था तो वो उसे भी मिस नहीं करना चाहता था। विक्रांत थोड़ी देर के लिए ही सो पाता है क्योंकि उसकी नींद खुल जाती है तो वो एयर होस्टेस को बुलाकर एक कप कॉफी और सर दर्द की दवाई लाने को कहता है। फिर उसके बाद वो कॉफी लेकर बाहर आता है और उस जगह पर बैठ जाता है जहाँ पर दारू रखी थी, तो वहाँ से कुछ उठाता है और बाथरूम की ओर चला जाता है। विक्रांत जब कॉकपिट में वापस आता है तो तानिया को थोड़ा सा शक होता है कि कैप्टन ने जरूर कुछ किया है लेकिन वो उस वक्त कुछ भी नहीं कहती। अब को पायलट और कैप्टन में थोड़ा हल्की फुल्की बातें होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि जब दो लोग साथ में काम कर रहे हों तो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना जरूरी होता है वरना काम बिगड़ भी सकता है। अब अगली सुबह प्लेन कोची पहुंच जाता है तो देखने को मिलता है कि वहां का मौसम काफी ज्यादा खराब है और तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। अब हम कोची ATC में से एक आदमी को देखते हैं जिसे सभी त्रिपाठी जी कहकर पुकारते थे, जिनका काम होता है कोची के एयरपोर्ट में लैंड होने वाले प्लेन्स को इंस्ट्रक्शन देना और बताना कि वहाँ का मौसम कैसा है और लैंड कर सकते हैं या नहीं। त्रिपाठी जी की तबीयत काफी खराब थी और कुछ दिन पहले ही उनके बेटे की डेथ हुई थी तो एक तरह से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी नौकरी करने के लिए आ गए थे। तानिया जब लैंड करने की परमिशन मांगती है तो त्रिपाठी जी बताते हैं कि विजिबिलिटी सिर्फ 1500 मीटर ही है और काफी तेज बारिश हो रही है, यानी कि खराब मौसम की वजह से प्लेन लैंड करना मुश्किल होगा। तानिया ये बात कैप्टन विक्रांत को बताती है तो विक्रांत तब भी प्लेन लैंड कराने के लिए कहता है। कैप्टन विक्रांत प्लेन लैंड कराने का ट्राई करते हैं लेकिन तेज बारिश और धुंध के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा होता, जिससे कि पहली लैंडिंग असफल हो जाती है। त्रिपाठी जी बताते हैं कि पहले भी एक फ्लाइट यहाँ लैंड नहीं कर पाई थी तो उसे त्रिवेंद्रम के लिए डाइवर्ट कर दिया गया तो वहाँ सेफली लैंड हो गई है, तो आप भी वहाँ पर लैंड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ का मौसम बिल्कुल साफ है।
ऑर्डर मिलने के बाद कैप्टन विक्रांत वही करने का सोच लेते हैं, लेकिन तान्या उनसे कहती है कि हमें त्रिवेंद्रम जाने के बजाय बेंगलुरु जाना चाहिए, क्योंकि त्रिवेंद्रम कोची के काफी करीब है, तो इस चीज के ज्यादा चांसेस है कि वहाँ का मौसम भी खराब हो सकता है। विक्रांत त्रिवेंद्रम की वेदर रिपोर्ट मांगता है तो त्रिपाठी जी बताते हैं कि वहाँ का मौसम एकदम साफ है और लैंडिंग के लिए सेफ है। विक्रांत एक बार फिर से कोची में ही लैंडिंग कराने का ट्राई करता है, लेकिन नाकामयाबी ही हासिल होती है, तो वो प्लेन को लेकर त्रिवेंद्रम की ओर रवाना हो जाता है। लेकिन इस बात से तान्या को पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही होती। विक्रांत कहता है कि प्लेन ऊंचाई पर और जिम्मेदारी आप पर हो, तो आपकी फीलिंग्स क्या है वो काम नहीं आती, बल्कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हें ही फॉलो करना होता है, जो कि कैप्टन विक्रांत कर रहे थे। अब हम त्रिवेंद्रम ATC रूम को देखते हैं, जहां पर ये बात चल रही होती है कि अब तूफान उनके शहर में आ चुका है, तो जितने भी फ्लाइट यहां लैंड होने वाली है उन्हें कैंसिल करने की जानकारी भेज दी जाए। ये जानकारी कोची में भेजी जाती है, तो त्रिपाठी जी कैप्टन विक्रांत से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन उसी वक्त उनकी एकदम से तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके चलते सब उन्हीं को लेकर जाने लग जाते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन कैप्टन विक्रांत तक पहुंचनी थी वो पहुंच नहीं पाती। प्लेन में ज्यादा ईंधन नहीं बचा था, बस इतना ही था कि वो 1 घंटे और हवा में उड़ सकता था। प्लेन के अंदर एक एविएशन जर्नलिस्ट बैठा होता है, जो कि बताने लगता है कि प्लेन को त्रिवेंद्रम ले जा रहे हैं, जबकि उसे बेंगलुरु ले जाना चाहिए था, क्योंकि त्रिवेंद्रम में भी मौसम खराब हो सकता है। ये जानकर प्लेन में बैठे सभी यात्री हल्ला मचाने लग जाते हैं, क्योंकि प्लेन की लैंडिंग काफी पहले ही हो जानी थी लेकिन अब तक नहीं हुई थी, तो सभी लोग परेशान होकर चिल्लम चिल्ली मचाने लग जाते हैं। हालात बेकाबू होने पर कैप्टन विक्रांत बाहर आते हैं और कहते हैं कि जो भी प्लेन उड़ाना जानता है वो मेरे साथ आ जाए, तो वहाँ पर तब एकदम शांति हो जाती है और सब बैठ जाते हैं। विक्रांत कहता है कि हम सभी लोग घर जाना चाहते हैं और हर किसी को घर जाना ही है, लेकिन अभी आप लोग हमें हमारा काम करने दीजिए और शांति से बैठकर हमारा साथ दीजिए। वहाँ पर घबराई हुई एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जो कि अपनी बेटी के साथ सफर कर रही थी, तो विक्रम उनसे कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि इस फ्लाइट में बैठे सभी यात्री सही सलामत अपने घर पहुँच जाएंगे। अब हम देखते हैं कि प्लेन त्रिवेंद्रम पहुंच जाता है, तो तान्या परमिशन मांगती है वहां पर लैंड करने की, तो ATC उन्हें लैंड करने की परमिशन नहीं देता, और इस बात से वो भी अनजान थे कि जब उन्होंने सभी फ्लाइट कैंसिल करा दी थी तो ये फ्लाइट यहां कैसे आ गई। ATC बताता है कि यहां बहुत भयानक तूफान आया हुआ है, इसीलिए सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, और ये जानकारी सभी जगह पहुंचा दी गई थी, लेकिन ये जानकारी तो कैप्टन को मिली ही नहीं थी। ATC उन्हें बेंगलुरु जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्लेन में ईंधन बहुत ही कम बचा था। इतना ही बचा था कि वो लोग अब सिर्फ 1/2 घंटे ही हवा में रह सकते थे, तो अगर प्लेन लैंड नहीं करता तो ईंधन खत्म होने पर प्लेन क्रैश होना तय था। तान्या को ज्यादा समय नहीं हुआ था इस फील्ड में आए हुए, तो वो इस सिचुएशन को इमेजिन करके पूरी तरह घबरा जाती है और रोने लग जाती है, तो कैप्टन विक्रम उसे भरोसा दिलाते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, बस अभी यहाँ तुम्हारा साथ होना जरूरी है। प्लेन को किसी तरह तो लैंड कराना ही था, तो ATC रनवे 16 पर लैंडिंग की परमिशन दे देता है। कैप्टन और को पायलट दोनों हिम्मत बांध कर लैंडिंग कराने का ट्राई करते हैं और प्लेन लैंड हो भी जाता है, लेकिन रनवे पर बैलेंस नहीं बन पाता, जिससे कि दोबारा से टेक ऑफ करना पड़ जाता है और लैंडिंग वहीं फेल हो जाती है। ये काम इतना ज्यादा खतरनाक था कि इतने सालों के एक्सपीरियंस्ड वाले कैप्टन के भी पसीने छूट गए थे, और अब उनके दिमाग में भी चलने लगा था कि शायद अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन वो दोबारा से हिम्मत बांधते हैं और अंदर 16 के बजाय 34 पर लैंड होने के लिए कहते हैं। इस बात से ATC परेशान हो जाता है, क्योंकि जो विंड प्रेशर सामने से आ रहा था वो रनवे 34 पर पीछे से आता, तो प्लेन क्रैश होने के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन कैप्टन विक्रांत ने तो ये फैसला ले लिया था, जो कि वही जानते थे कि वो क्या करने जा रहे हैं। कैप्टन विक्रांत मेडे का मैसेज देते हैं, जिसका मतलब था कि अब इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी और अब जो भी फैसला लेना है वो कैप्टन को ही लेना होगा, और ये तब मैसेज दिया जाता है जब कोई और ऑप्शन नहीं बचता, और जो ऑप्शन चूज होता है उसमें प्लेन क्रैश होने का खतरा ज्यादा रहता है। कैप्टन विक्रांत एक सिगरेट अपने मुंह में लगाते हैं लेकिन जलाते नहीं, और आंखें बंद करके प्लेन को एकदम फ्री छोड़ देते हैं और प्लेन तेजी से नीचे जाने लग जाता है। प्लेन में बैठे सभी यात्रियों की हवा एकदम टाइट हो रखी थी और सब यही सोच रहे थे कि यही उनका आखिरी समय है, और अब बस सब कुछ भगवान और पायलट के भरोसे है। प्लेन जैसे ही रनवे 34 को छूता है तो बहुत बड़ा झटका लगता है, और तब विक्रांत तुरंत प्लेन की कमान संभाल लेता है और प्लेन को इधर उधर जाने से और पलटने से रोकने लग जाता है। रनवे के आखिरी छोर पर बहुत ही गहरी खाई थी, तो अगर प्लेन रनवे पर नहीं रुकता तो प्लेन सीधा खाई में ही जा गिरता और फिर सभी की मौत होनी तय थी, लेकिन कैप्टन विक्रांत अपने सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके सारा दिमाग लगाते हुए प्लेन को रोकने में कामयाब हो जाते हैं और प्लेन रनवे के आखिरी छोर पर जा रुकता है।
सभी को लगा था कि अब नहीं बच पाएंगे और वो उनका आखिरी पल है। लेकिन कैप्टन विक्रांत अपने अनुभव और ज्ञान से प्लेन को सेफली लैंड करा ले जाते हैं और सभी लोग बच जाते हैं। कैप्टन विक्रांत खन्ना ने जिस तरह से प्लेन को सेफली लैंड करा के सबकी जान बचाई थी, उसके लिए हर जगह उनकी तारीफ होने लग जाती है और हर जगह उनकी ही चर्चा चल रही होती है। लेकिन जो कुछ भी हुआ था वो कोई नॉर्मल बात तो नहीं थी। वो सिचुएशन कैसे बनी और क्या चीजें हुई जिससे कि वो आपदा आए, ये सब पता करने के लिए कैप्टन और को पायलट को कस्टडी में ले लिया जाता है। विक्रांत के पास सबसे पहले एक लेडी आती है जो कि स्काईलाइन कंपनी की तरफ से एक वकील होती है। स्काईलाइन वो कंपनी थी जिसकी फ्लाइट कैप्टन विक्रांत उड़ाते थे। वकील उससे कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया वो सही ही था और अगर कुछ गड़बड़ हुई भी है तो अपनी शक्ल पर मत आने देना और बाकी जो भी है वो सब सही हो ही जाएगा, बस ध्यान रखना कि तुम स्काईलाइन के एम्प्लॉय हो। वो बस ये बताने आई थी कि जो भी हो बस कंपनी पर कोई भी बात नहीं आनी चाहिए। अब पूछताछ करने के लिए DGCA के दो ऑफिसर कैप्टन विक्रांत के पास आते हैं और उस फ्लाइट से रिलेटेड पूछताछ करने लग जाते हैं। विक्रांत पहले तो एक सिगरेट जलाता है और फिर उस फ्लाइट में क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या फैसले लिए गए ये सारी जानकारी दे देता है। ठीक वैसे ही तान्या के पास भी दो ऑफिसर जाते हैं और तान्या भी सब कुछ बता देती है। उधर जब प्लेन में तहकीकात की जाती है तो डस्टबिन में से एक छोटी सी दारू की बोतल मिलती है। ये वही बोतल थी जहाँ पर कैप्टन विक्रांत अपनी कॉफी लेकर कुछ लेने के लिए गया था, तो ये बोतल वहीं रखी हुई थी। जाते जाते ऑफिसर कैप्टन विक्रांत से सवाल करते हैं कि क्या उसने फ्लाइट उड़ाते समय दारू पी रखी थी या नहीं, तो विक्रांत जवाब देता है कि उसने कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया था। ऑफिसर जब जाने लगते हैं तो विक्रांत कहता है कि उसने सभी यात्रियों की जान बचाई है, तो उम्मीद की थी कि उसके साथ थोड़ा अच्छे से पेश आया जाएगा। इस बात पर ऑफिसर कहता है कि 150 पैसेंजर्स में से सिर्फ 149 पैसेंजर ही जीवित हैं। जो बूढ़ी महिला आपके फ्लाइट में थी उनको हॉस्पिटल ले जाते समय हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। इस बात से कैप्टन को काफी झटका लगता है और वो सोचता है कि शायद उसकी वजह से ही उनकी मौत हुई है, तो वो काफी उदास हो जाता है। कैप्टन जब वहां से निकलता है तो जो बूढ़ी औरत मरी थी उसकी बेटी का कॉल उसके पास आता है और वो कहती है कि आपके वजह से मेरी माँ मर गई, तो भले ही दुनिया आपको हीरो मानती हो लेकिन मेरे लिए तो आप सिर्फ एक खूनी हो। ये बात सुनकर विक्रांत और भी ज्यादा गिल्ट में चला जाता है और उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को ही ठहराने लग जाता है, क्योंकि विक्रांत का हमेशा से यही उद्देश्य था कि कुछ भी हो जाए लेकिन हर पैसेंजर अपने घर पहुंचना चाहिए, लेकिन एक पैसेंजर घर नहीं पहुंच पाया था। अब हम एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम नारायण वेदांत होता है, जिसे उस फ्लाइट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपॉइंट किया गया था। नारायण वेदांत बहुत ही ईमानदार और अपने काम को सीरियस होकर करने वाला इंसान था, जो कि किसी से ना तो डरता था और ना किसी गलत का साथ देता था। नारायण उस फ्लाइट में मौजूद कैप्टन और को पायलट के बीच सारी बातें सुनता है और क्या क्या चीजें बोली गई और क्या फैसले लिए गए वो सब समझता है और हर एक डिटेल पर ध्यान देता है। विक्रांत घर आ चुका था लेकिन वो बूढ़ी औरत के बारे में सोच सोच कर काफी परेशान था। समारा जानती थी कि वो क्यों परेशान है, तो वो समझाती है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और पायलट होता तो शायद कोई भी नहीं बच पाता और अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो दुनिया में कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। अब हम स्काईलाइन एयरवेज के मालिक को देखते हैं जो कि काफी खुश हो रहा होता है, क्योंकि कैप्टन विक्रांत की जाबाजी के चलते उसकी कंपनी के शेयर में उछाल आ गया था और खूब कमाई हो रही थी। मालिक अपने वकील से पूछता है कि फ्लाइट की इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, तो वो बताती है कि नारायण वेदांत इस केस को संभाल रहा है। नारायण वेदांत का नाम सुनते ही मालिक की सारी खुशी फुर हो जाती है, क्योंकि वो उसे अच्छी तरह से जानता था कि किस तरह से वो एकदम बारीकी से छानबीन करता है, तो अगर कुछ ज्यादा ही छानबीन हो जाती तो काफी गलतियां भी सामने आ सकती थी और कंपनी को खतरा हो सकता था। और उसे ये भी कंफर्म नहीं था कि कैप्टन विक्रांत ने प्लेन के अंदर क्या क्या गलत एक्शन लिए थे और क्या सही किया था। अब इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है और अब पूछताछ करने का समय आ जाता है, तो AIB के 5 ऑफिसर के सामने नारायण वेदांत इंक्वायरी शुरू करते हैं। नारायण वेदांत कैप्टन विक्रांत खन्ना पर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो काफी दिनों से लगातार उड़ान भर रहे थे तो वो काफी थक से गए थे और उनकी बेटी का जन्मदिन भी आने वाला था, तो उन्हें घर पहुंचने की बड़ी हड़बड़ी सी थी और उसी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। इसी हड़बड़ी में कैप्टन ने फ्लाइट की डिटेल्स भी ठीक से नहीं पढ़ी और एक मिनट देखकर उन्हें रख दिया था। नारायण कहते हैं कि कैप्टन विक्रांत को होम सिकनेस सिंड्रोम हो गया था, जिससे कि उस दिन फ्लाइट में उसी सिचुएशन से गुजर रहे थे। कैप्टन विक्रांत फ्लाइट और उस दिन की वेदर रिपोर्ट तुरंत ही खटाखट बता देता है और कहता है कि उसकी फोटोजेनिक मेमोरी है तो वो कुछ भी नहीं भूलता और बॉर्डर पर खड़ा हर जवान अपनी फैमिली को मिस करता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ करता है, तो जो सवाल आपने किया है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है।
नारायण कैप्टन के जवाब पर गुस्साते हुए कहते हैं कि आजकल हर इंसान आर्मी की बात करके अपनी गलतियों को छुपाना चाहता है, तो आप भी ऐसा ही कर लीजिए। और मेरे सवाल बेबुनियाद है तो आप भी यहाँ आकर इंक्वायरी कर लीजिए और सिखाइए कि कैसे सवाल किए जाते हैं। अब नारायण वेदांत वही दारू की छोटी बोतल विक्रांत के सामने लाकर रख देता है और बताता है कि यह बोतल हमें विमान के कूड़ेदान से मिली थी जो आपके कॉकपिट के ठीक पीछे है। वहाँ पर या तो कैबिन क्रू पहुँच सकता है या तो प्लेन का पायलट। तो अब आप बताइए कि क्या आपने ये दारू पी थी या नहीं। विक्रांत इस सवाल का जवाब नहीं देता और कहता है कि मेडिकल रिपोर्ट में जो लिखा है वही सही है। जिस डिवाइस से ये मेजर किया गया था कि विक्रांत ने दारू पी थी या नहीं, वो डिवाइस हर किसी को यही बता रहा था कि उसने दारू पी है, भले ही उसने ना पी हो। तो यहाँ पर स्काईलाइन ने विक्रांत को बचाने के लिए डिवाइस में गड़बड़ी कर दी थी ताकि मेडिकल रिपोर्ट में ये साबित ही ना हो कि विक्रांत ने दारू पी थी। लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ था कि विक्रांत ने सच में दारू पी थी या नहीं। अब नारायण कमेटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कैप्टन विक्रांत के लिए लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया जाए। स्काईलाइन के लॉयर विक्रांत को समझाने आती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नारायण उसे बातों में उलझा देता है और उसे हामी भरवा लेता है। अब लाइट डिटेक्टर टेस्ट शुरू हो जाता है और कुछ बेसिक सवाल करने के बाद नारायण विक्रांत से पूछता है कि उसने शराब पी थी या नहीं। विक्रांत जवाब देता है कि उसने शराब नहीं पी थी, तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट में ये बात सच निकलती है। इंक्वायरी खत्म होने के बाद स्काईलाइन कंपनी का मालिक विक्रांत पर खूब गुस्सा करता है क्योंकि उसने लाइट डिटेक्टर टेस्ट के लिए हाँ कर दिया था जबकि उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट चेंज करवा दी थी। अब अगले दिन इंक्वायरी दोबारा बैठती है तो नारायण तान्या से सवाल करता है कि आपको कैप्टन विक्रांत कैसे लगे। तान्या बताती है कि वो काफी इंटेलिजेंट है और अपने काम को लेकर डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड शब्द सुनकर नारायण कहता है कि वो इतने ज्यादा डेडिकेटेड है कि वो फ्लाइट में सो रहे थे। नारायण सभी को रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें कि विक्रांत की खर्राटों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अब नारायण वेदांत एक लड़की को बुलाते हैं जिसका नाम अंजलि होता है और ये वही लड़की थी जिसके साथ फ्लाइट उड़ाने वाले दिन के पहले वो रात भर पार्टी कर रहा था और वहाँ उसका दोस्त भी मौजूद था। नारायण बताता है कि कैप्टन विक्रांत फ्लाइट वाले दिन के एक दिन पहले रात भर पार्टी कर रहे थे और खूब दारू भी पी और फिर अगली सुबह वापस आ गए और उस दिन उनकी फ्लाइट रवाना होनी थी, तो इसका मतलब कि वो नशे में रहे होंगे। विक्रांत कहता है कि फ्लाइट से 12 घंटे पहले तक अगर कोई पायलट शराब पिए तो उसे सजा होगी, लेकिन मैं तो सुबह ही होटल पहुँच गया था और फ्लाइट शाम को थी और दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस 15 घंटे का है, तो उस बीच तो मैंने शराब पी ही नहीं थी, तो मैंने यहाँ कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया है। अब नारायण विक्रांत पर इल्जाम लगाता है कि उसने बेंगलुरु जाने के बजाय त्रिवेंद्रम को चुना, ये जानते हुए कि वहाँ पर भी तूफान आ रहा है, तो ऐसा क्यों किया। विक्रांत कहता है कि पायलट सिर्फ ATC के ऑर्डर्स को मानता है, तो जो ऑर्डर हमें मिले हमने वही फॉलो किया, लेकिन तूफान के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। अब नारायण तान्या से कहता है कि ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि जो घटना हुई वो दोबारा ना होने पाए, इसलिए आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ यात्रियों के हित में होनी चाहिए, किसी संस्था या व्यक्ति के लिए नहीं। नारायण लगातार तान्या से सवाल पर सवाल करने लग जाता है जिससे कि वो काफी घबरा जाती है और बोल देती है कि कैप्टन ने आंखें बंद करके रनवे पर प्लेन लैंड किया था। अब इस बात से केस का पूरा भार कैप्टन विक्रांत पर आ जाता है क्योंकि ऐसा करना नियमों के खिलाफ ही था। नारायण तान्या के इस बयान पर यह साबित कर देता है कि विक्रांत ने शराब पी थी और नियमों की धज्जियां भी उड़ाई थी। नारायण फिर से सवाल करता है कि जब आपको रनवे 16 पर लैंड कराने को कहा गया था तो आपने रनवे 34 क्यों चुना, जो कि बहुत खतरनाक फैसला था क्योंकि इससे विमान क्रैश भी हो सकता था। कैप्टन विक्रांत उस वक्त कोई भी जवाब नहीं देता और इंक्वायरी अगले दिन के लिए कंटिन्यू करने के लिए कह दिया जाता है। विक्रांत के मन में बार बार बस वही बूढ़ी औरत ही आ रही थी और उसका गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। समायरा उसकी भावनाओं को समझती है और उसके गिल्ट को मिटाने के लिए विक्रांत को बूढ़ी औरत की बेटी के घर ले जाती है ताकि वो उससे माफी मांग सके और बता सके कि उनकी मौत के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जो होना होता है वो हो ही जाता है। अब अगले दिन इंक्वायरी शुरू होती है तो विक्रांत देखता है कि बूढ़ी औरत की बेटी वहाँ पर मौजूद होती है, जिसका मतलब कि वो समझ गई थी कि उसमें उसकी गलती नहीं थी बल्कि उनकी उम्र हो गई थी, तो जो होना था वो हो गया था। विक्रांत का गिल्ट अब खत्म हो जाता है और वो जवाब देता है कि मेरा रनवे 34 चुनना कोई इत्तफाक या तुक्का नहीं था बल्कि वो मेरी च्वाइस थी। उस रोज रनवे दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन मैं देख पा रहा था अपनी आंखों से नहीं अपने दिमाग से। विक्रांत बताता है कि स्काईलाइन में काम करने से पहले वो एक बड़े आदमी का प्राइवेट जेट फ्लाई करता था जो कि रनवे 34 पर ही उतरता था, तो उसे रनवे 34 का हर एक इंच पता था। नारायण कहता है कि ये सब सुनने के बाद ये तो साबित हो गया कि आप कहानियाँ बहुत अच्छी बनाते हैं, क्योंकि इस पर किसी को भरोसा नहीं होगा और न ही कोई ये बात साबित कर सकता है।
इस बात पर विक्रांत कहता है कि मैं साबित कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एयरप्लेन सिमुलेटर चाहिए। एयरप्लेन सिमुलेटर वो मशीन होती है जिसका डिजाइन बिल्कुल प्लेन के कॉकपिट जैसा ही होता है, और उसमें ठीक वैसे ही सिचुएशन बनाई जा सकती है जैसे उस सिचुएशन में हो रहा था। तो अब नारायण को-पायलट के सीट पर बैठ जाते हैं और कैप्टन विक्रांत अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर प्लेन उड़ाने लग जाते हैं। सेम वैसे ही सिचुएशन क्रिएट की जाती है और वैसे ही सब कुछ हो रहा होता है। तो जिस तरह से विक्रांत ने उस समय आंखें बंद करके रनवे 34 पर प्लेन उतारा था, ठीक वही चीजें करके एयरप्लेन सिमुलेटर में भी प्लेन वैसे ही लैंड करा देता है, जिसे देखकर नारायण वेदांत काफी शॉक हो जाता है। अब फैसला सुनाने की बारी आती है तो एटीसी ऑफिसर त्रिपाठी जी को बर्खास्त कर दिया जाता है। नारायण कहता है कि कैप्टन विक्रांत और को पायलट तान्या ने काफी विवादित फैसले लिए थे, लेकिन उन्होंने सारे ऑर्डर्स फॉलो किए, इसीलिए उन्हें सिर्फ 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है और इंक्वायरी यहीं खत्म हो जाती है। विक्रांत और तान्या दोनों ही खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा बड़ी सजा नहीं मिली थी, बस 3 महीने सस्पेंशन ही मिला था, नहीं तो ऐसे केसेस में लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाता है। विक्रांत नारायण के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपने मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए सस्पेंड क्यों किया, ये मेरे करियर में एक दाग की तरह रह जाएगा। नारायण कहते हैं कि इस दाग को आप हमेशा याद रखिएगा, सारी जिंदगी आपको ये दाग याद दिलाएगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। गलती करने के बाद आप सिर्फ 3 चीजें ही कर सकते हैं, गलती को मानना, गलती से सीखना और दोबारा उस गलती को कभी ना करना। अब इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां देखते हैं कि कैप्टन विक्रांत खन्ना दोबारा से प्लेन उड़ाने के लिए लौट आते हैं। अब यहां पर एक राज खोला जाता है कि वो दारू की बोतल किसने खाली करी थी। जब प्लेन में काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया था तो डर के मारे एक एयर होस्टेस ने शराब पी ली थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा डर गई थी। ये बात उसने विक्रांत को जाकर बताई और उससे रिक्वेस्ट करी कि ये बात बाहर ना आने पाए, वरना उसकी नौकरी चली जाएगी और करियर भी बर्बाद हो जाएगा। विक्रांत उसकी बात को समझता है और उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ समझ आता है कि विक्रांत ने प्लेन में दारू नहीं पी थी और सारे रूल्स फॉलो किए थे, और दारू पीने का इल्जाम अपने ऊपर लेकर उसने लड़की का करियर बचा लिया था। अब विक्रांत को हम वॉशरूम में देखते हैं, जो कि सिगरेट मुंह में लगाकर पीने जा रहा होता है। तभी वहाँ एक आदमी उससे कहता है कि यहाँ सिगरेट पीना मना है। विक्रांत कहता है कि अभी जलाया तो नहीं ना, और इसी डायलॉग के साथ जो कि सिगरेट को प्रमोट करते नजर आता है, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जो कहानी आपने मूवी में देखी वो सच्ची घटना पर आधारित है, यानी कि जो भी इस फिल्म में दिखाया गया है उसमें से थोड़ा बहुत सच में हुआ था। थोड़ा बहुत मैंने इसलिए बोला क्योंकि रियल स्टोरी इतना ड्रामेटिक नहीं होती जितना मूवी में दिखाया जाता है, और मूवी बनाने के लिए काफी कुछ मसाला डाला ही जाता है, इसलिए पूरी तरह से सच नहीं मान सकते। 2015 में जेट एयरवेज का एक विमान दोहा से कोची जाने के लिए रवाना होता है। अगली सुबह प्लेन पहुंच तो जाता है, लेकिन खराब मौसम की वजह से लैंडिंग की परमिशन नहीं मिल पाती। काफी कोशिशों के बाद भी लैंडिंग नहीं हो पाती तो प्लेन को त्रिवेंद्रम के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। प्लेन जब वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि वहां का भी मौसम खराब है और लैंडिंग नहीं हो सकती, लेकिन लैंडिंग तो करनी ही थी क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि ईंधन खत्म होने को था। तो प्लेन का कैप्टन कैसे भी करके प्लेन लैंड करा ही देता है। प्लेन के दोनों पायलट न्यूज में एक हीरो की तरह छा जाते हैं क्योंकि उन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी, लेकिन जो हुआ था उसकी जाँच के लिए इंक्वायरी बैठाई जाती है। अब यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि कैप्टन को क्या सजा मिली थी, लेकिन मैंने जिधर भी पढ़ा वहाँ यही लिखा था कि कैप्टन का डिमोशन हो गया था। वही फिल्म में दिखाया गया है कि कैप्टन को बस 3 महीने के लिए ही सस्पेंड किया जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि हर चीज सेम टू सेम नहीं दिखाई जाती। दुर्घटना 3 वजह से ही ज्यादा होती है। पहली ये कि जानकारी सही तरीके से ना मिल पाना, दूसरा ये कि जिसे जो काम दिया गया है वो उस काम को सही तरीके से ना करे, तीसरा ये कि कोई तकनीकी खराबी आ जाना। यही सारी मेन वजह होती है कोई भी हादसा होने की, लेकिन कुछ भी हो ब्लेम हमेशा पायलट पर ही आता है और हर कोई अपनी गलती छुपाने के लिए पायलट को ही फंसाने में लग जाता है। कभी कभार पायलट की भी गलती होती है, लेकिन इस फिल्म में मेन गलती हमें एटीसी डिपार्टमेंट की देखने को मिलती है, क्योंकि उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन पास नहीं करी थी। अगर सही समय मौसम खराब होने की जानकारी मिल जाती तो शायद उस तरह की सिचुएशन बन ही नहीं पाती। फिल्म ना पसंद आने की 4 वजह लोगों में दिख रही है। पहली वजह यह है कि अजय देवगन टबैको प्रमोट करते हैं, दूसरी वजह है कि उनके और कन्नड़ एक्टर सुदीप के बीच जो भाषा को लेकर खिंचातनी चल रही है, तीसरी वजह लोग सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद से बॉलीवुड की मूवी देखना नहीं चाहते, और चौथी वजह कि ये मूवी 2012 में आई हॉलीवुड मूवी फ्लाइट की रीमेक बताई जा रही है। पहली
की वजह की बात करें तो इससे तो मैं भी सहमत हूँ कि टोबैको प्रमोट करना कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है। आपको जब इतने लोग फॉलो करते हैं, आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, तो वो लोग गुटखा खाना सीखे ये तो आप नहीं चाहते होंगे। मूवीज में आप चाहे गुटखा खाएं या पुड़िया खाएं या पान खाएं या दारू पिए या सिगरेट पिए, वो सब चलता है क्योंकि कैरेक्टर की डिमांड होती है। और कैरेक्टर अगर सिगरेट पीता है तो एक्टर को सिगरेट पीना ही होता है, तो इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी एडवर्टाइजमेंट की बात है तो आप किसी को कुछ रिकमेंड कर रहे हो तो अच्छी चीजें ही रिकमेंड करें तो अच्छा ही है। दूसरी वजह जो भाषा को लेकर बहसबाजी चल रही है, उससे भी लोग अजय देवगन की मूवी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। अजय देवगन का मानना है कि हिंदी भाषा ही राष्ट्रभाषा है। अब इस पर सबके अपने विचार हैं और अलग सोच है। एक दो पॉइंट यहाँ रखा जा सकता है कि हिंदी हिंदी करते तो सब है, लेकिन जब दो इंसान को हिंदी आती है तो भी लोग इंग्लिश में ही बात करते नजर आते हैं। साउथ की तरफ कम से कम अपनी मदर टंग को बोलने में शर्माते नहीं है, बल्कि वही यूज करते हैं जब आपस में बात करते हैं। लेकिन जिसे हिंदी आती है वो भी इंग्लिश जानने में पड़ा होता है, तो पहले खुद ही इंसान अपनी भाषा बोलना सीख ले तो फिर दूसरे को कहे कि हाँ हमारी भाषा सही है तो कोई बात भी है। बाकी भाषा तो बस एक माध्यम है अपनी बात किसी और को बताने का। अब अगर सामने वाले को हिंदी नहीं इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में ही बताएंगे। भारत में भाषाएं बहुत हैं और उनमें से हिंदी भी एक है जो कि सबसे ज्यादा बोली जाती है। तीसरी वजह, SSR के जाने के बाद बॉलीवुड मूवी देखना बंद कर दिया और इसीलिए मूवी बायकॉट करना है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भरी बात लगती है क्योंकि मूवीज में बहुत से लोग काम करते हैं और हर कोई इंडस्ट्री में आना चाहता है और उनमें से कई लोग SSR के जैसे अपनी जगह बनाना चाहते होंगे। तो आप एक इंसान की कदर करते हुए दूसरे और टैलेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर मतलब ही क्या हुआ SSR को सपोर्ट करने का। बायकॉट करिए उन मूवीज को जो वाकई में देखने लायक नहीं है, जैसे कि हीरोपंती 2। लेकिन अच्छी मूवीज को सपोर्ट जरूर करें और नए टैलेंट को सराहें। अब चौथी वजह पर आ जाते हैं कि ये 2012 में आई हॉलीवुड मूवी फ्लाइट की रीमेक है, तो ऐसा माना जा सकता है कि रनवे 34 फ्लाइट मूवी से इंस्पायर होकर बनाई गई। कहानी रियल इंसिडेंट से उठाई गई, लेकिन उसे पूरी तरह से मूवी बनाने के लिए थोड़ा बहुत फ्लाइट मूवी से उठाया गया है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि प्लेन के हादसे होने की वजह 2-4 ही होती हैं, तो हो सकता है कि कहानी लगभग सेम ही हो, क्योंकि असली स्टोरी में तो यही हुआ था जो मूवी में दिखाया गया है। तो कई बार कहानी सेम होती है, बस दिखाने का तरीका अलग हो जाता है। ये 4 वजह हो सकती है मूवी को ना देखने की और ना पसंद करने की, लेकिन कई वजह है इस मूवी को देखने की और पसंद करने की भी। इस मूवी का जो CGI और विजुअल इफेक्ट्स है वो काफी सही देखने को मिलता है। कैमरा एंगल्स और सिनेमेटोग्राफी काफी कमाल की है। जिस तरह से फर्स्ट हाफ में दिखाया गया है कि कैसे क्या होता है और कैसे प्लेन सेफली लैंड करता है, उस दौरान आपकी धड़कनें तेज रहती हैं कि अब कैसे क्या होगा। मूवी के सेकंड हाफ में जब अमिताभ सर की एंट्री होती है तो मूवी में अलग मोड आता है, जहां पर कई लोगों को थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि सिर्फ बातचीत और इन्वेस्टिगेशन ही चलती रहती है। लेकिन जिनको एक बार मूवी में इंटरेस्ट आ गया वो ये भी देखना पसंद करते हैं कि अब कैप्टन विक्रांत किस तरह से अपनी गलतियों की सफाई देंगे और किस तरह के इल्जाम उन पर लगाए जाएंगे, जिनसे वो बच पाएंगे या नहीं। सरल भाषा में कहें तो इंटरवल के पहले मूवी काफी इंगेजिंग लग सकती है, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकती है। ना पसंद करने की वजह जितनी भी है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को लेकर क्या सोचते हो। लेकिन अगर सिर्फ मूवी की बात करी जाए तो हमें सही ही देखने को मिलती है और हीरोपंती 2 से तो काफी ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर एक बात समझ नहीं आती कि जिसकी माँ की डेथ हुई वो विक्रांत को फोन करती है, तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि उन्हें प्लेन के कैप्टन का पर्सनल नंबर आखिर कहाँ से मिल गया। अब एक्टिंग की बात करें तो अजय देवगन ने अपने रोल को सही ही निभाया है, लेकिन ऐसा फील आता है जैसे वो वाकई में काफी थके से लग रहे हों और डायलॉग्स में जान दिखाई नहीं पड़ती। उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और डायरेक्ट भी किया है, तो डायरेक्शन में उन्होंने काफी बढ़िया काम किया है और मुझे लगता है कि इतना सारा काम करने की थकान उनकी बॉडी में देखने को मिलती है। अमिताभ सर की जो आवाज़ है और जो डायलॉग डिलीवरी है वही पूरे फिल्म में जान डाल देती है और उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। रकुल प्रीत का जो रोल था वो कुछ ऐसा था कि वो नई नई पायलट बनी थी, तो उन पर जब मुसीबत आती है या सवाल की बौछार होती है तो वो रो देती है, तो उन्होंने ये रोल सही ही निभाया है। कैरी मिनाटी को इस फिल्म में बस एक वजह से ही लिया गया है और वो वजह है उनकी ऑडियंस। वो नौजवान जनता में काफी फेमस है, तो जनता को अट्रैक्ट करने के लिए उनके फेस का इस्तेमाल किया गया है। बाकी और जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी ने अपने तरफ से अपने कैरेक्टर को सही ही निभाया है। रणवीर 34 उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी जिन्होंने हीरोपंती 2 पहले देख ली होगी, तो उनके लिए ये उससे ज्यादा बेहतरीन मूवी लग सकती है।
वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप कैप्टन विक्रांत की जगह होते तो क्या करते। एयर होस्टेस को बचाने के लिए शराब पीने का इल्जाम अपने सर पर लेकर सस्पेंड हो जाते या फिर एयर होस्टेस का नाम लेकर अपने ऊपर दाग न आने देते। मुझे कमेंट करके अपनी थिंकिंग जरूर बताइएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन रनवे 34 मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।